फिल्म का नाम है सुपर 30। तो गानों में भी आप लोग मैथ से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके फिल्म को आगे लेके जाएंगे, और ऐसा ही काम किया है अजय अतुल साहब ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। बताना चाहता हूं कि ऋतिक रोशन साहब की मच अवेटेड फिल्म सुपर 30 का पहला गाना हो गया है रिलीज, जो कि है जुग्राफिया। बेसिकली ज्योग्राफी को जुग्राफिया उन्होंने बना दिया है। एंड अगर मैं बात करूं तो इस गाने को सुनकर आपको टोटली फील आ जाएगी जैसे सैराट के गानों की थी। सैराट जो कि अगर मैं बात कहूं तो मराठी सिनेमा की नंबर वन की फिल्म मानी जाती है अभी तक की, चाहे वो कमाई के मामले में हो, कॉन्सेप्ट के मामले में हो, डायरेक्शन के मामले में हो, एक्टिंग के मामले में हो। सो ऐसे में अजय अतुल साहब वहां से थोड़ी बहुत फीलिंग लेकर आते हैं और वो इस गाने के अंदर जुग्राफिया के अंदर डालते हैं। जी हाँ, जहां पर एक ट्रेडिशनल वाइब आती है, जिस तरीके से स्मॉल टाउन की जो जिंदगी होती है, जिस तरीके से वहां पर, मुझे पर्सनली इस पर्टिकुलर सारे सीन को देखने के बाद अपनी भी जिंदगी याद आ गई जब हम लोग लैंडलाइन से कम्युनिकेशन करते थे। लैंडलाइन का जमाना जो दोस्तों था वो स्टार्टिंग में था 80s 90s में था, फिर तो उसके बाद मोबाइल आ गया था 2000 के बाद, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल्स का आविष्कार हो गया था। सो ऐसे में दोस्तों बात करूं तो इसमें जो जिस तरीके से मिलना, बिछड़ना, चुप चुप के देखना, जो एक वो प्यार वाला एक जो एंगल होता है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि आनंद कुमार यहाँ पर एक लड़की को पसंद करता है और ये लड़की जो है ये बड़े तबके की लड़की है। अब ये दोनों के बीच में केमिस्ट्री बन पाएगी या नहीं बन पाएगी ये तो हम फिल्म के अंदर देखेंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आनंद कुमार जिस तरीके से, जिस गरीबी में उनका जीवन गया, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। जो रॉ घर दिखाए गए हैं जिसमें पेंट नहीं है, जिसमें प्लास्टर नहीं है, और मतलब खाली ईंट चिपका के जो रहते हैं घर, तो वैसे ही सेम फीलिंग में। एंड आई जस्ट वंडर कि ऋतिक रोशन जो कि ग्रीक गॉड है और जो कि कह सकते हैं कि सुपरस्टार है, वो इस तरीके से रियलिस्टिक दिखाने के लिए उस सॉन्ग को यहां पर इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। ट्रस्ट मी, दिस फिल्म डेफिनेटली गोना अर्न मैनी मैनी मोर हार्ट्स एज वेल एज बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और गाने की अगर मैं बात करूँ तो गाना तो सूदिंग है ही और आपकी आत्मा खुश हो जाएगी सॉन्ग को देख के। अजय अतुल साहब की इस कंपोजिशन के लिए मेरी तरफ से मिलता है थम्स अप, और मैं कहना चाहूंगा कि यस, दिल की जुग्राफियां बढ़ गई हैं। ऋतिक रोशन साहब का साथ दिया है मृणाल ठाकुर ने और दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। बट मुझे दोस्तों पूजा हेगड़े की यहाँ पर याद आ गई, क्योंकि पूजा हेगड़े ने जब ऋतिक रोशन के साथ डेब्यू किया था तो ऐसा ही कुछ मंजर था। लेट्स सी, लेकिन यस, दिस सॉन्ग इज डेफिनेटली गोना रॉक।